हाई सेकेंडरी स्कूल में बनाए गए शेल्टर होम में प्रवासियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन के चलते फैक्ट्रियों के बंद होने से प्रवासी मजदूर घर जाने को मजबूर हैं, क्योंकि अब इनके पास खाने को पैसे तक नहीं बचे हैं। मंगलवार को हल्दाना बॉर्डर से 24 प्रवासी मजदूरों को पुलिस ने पकड़कर भापरा रोड स्थित शेल्टर होम में छोड़ा, जिनमें यूपी के 12, बदायूं के 11 और आजमगढ़ के 4 प्रवासी मजदूर हैं। शेल्टर होम इंचार्ज रंगा मास्टर ने बताया कि मंगलवार को 24 मजदूर आए थे। अधिकतर ये लोग झूठ बोलकर रुकने का ठिकाना ढूंढते हैं, पूछने पर कोई लुधियाना, अम्बाला और कोई पंजाब से बताता है। हालांकि हाई सेकेंडरी स्कूल में बनाए गए शेल्टर होम लॉकडाउन को देखते हुए बनाया गया था, मगर अब ऐसा लगता है जैसे पानीपत जिले में इसको प्रवासी मजदूरों को भेजने का सेंटर बना दिया गया हो। अभी एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता पाऊंगा मैं, क्योंकि जो हमारे प्रवासी मजदूर थे बाहर के भी जो आसपास में रह रहे थे और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, उनको यूपी वालों को हमने अधिकतर को भेज दिया। हमारे शेल्टर हाउस में भी थे जो यूपी के लोग, उनको भी आज रवाना कर दिया है। और ये फिर दोबारा से मैं ये कह रहा हूँ कि आज फिर लोग जो हैं ये कह के कि हम दूर से हैं, चंडीगढ़ से हैं, पंजाब से हैं, इधर से हैं, उधर से हैं, ये कह के निकलते हैं। इनको बॉर्डर पे पकड़ते हैं पुलिस वाले और हमारे यहाँ लेकर आ जाते हैं, और हमारी भी मजबूरी हो जाती है फिर इनको रखने की। अब सवाल ये उठता है कि यह प्रवासी मजदूर कितने जिलों को पार करते हुए आखिर यहाँ कैसे पहुँच जाते हैं? सरकार का पुलिस यंत्र आखिर क्या कर रहा था? इन्हें देखकर तो लगता है कि सरकार प्रवासियों को लेकर इतनी गंभीर है। क्या इनको सरकार द्वारा जारी की गई सुविधाओं की जानकारी नहीं है? मेरा नाम पंकज है। हाँ, करनाल से आए हम 11 बंदे। अच्छा। और हमारे पास राशन खत्म हो गया था और पैसे भी नहीं देते, तो हमने कमरा खाली करके चले। अच्छा अच्छा। हाँ, मकान मालिक ने भगा दिया तुम्हारे? मकान मालिक ने भगाया, हमारा काम ही बंद हो गया, हम पर पैसे नहीं आ रहे तो हम आप क्या करते? अच्छा, खाने को भी हमको कुछ नहीं था। तो यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ पैदल यात्रा करके दूर वहाँ से करनाल से ही। हाँ, करनाल से पैदल हम चले आए यहाँ तक, फिर आगे जाके यहाँ पर हमने रोक लिए, बोले चलो तुम हम अपने तुम्हारे जिला तक बस भेजेंगे। यह एक बड़ा सवाल है। समालखा से सिटी तहलका के लिए रतन लाल की रिपोर्ट।